चैप्टर 15-18 मिस बेट से जो है प्रपोज करती हैं कि डेविड जिनका कि अब उन्होंने निकनेम रख दिया था ट्रॉट उन्हें स्कूल जाना चाहिए कैंटरबरी में। वो लोग कैंटरबरी जाते हैं और वहां मिस्टर विकफील्ड को मिलते हैं जो कि एक लॉयर थे और मिस बेट्सी के फ्रेंड थे। मिस्टर विकफील्ड जब वो मिलते हैं तो उनको वहां पर एक और इंसान मिलता है अरिया हीप। ये एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा रेड हेड ड्रेस्ड यंग बिल्कुल ही ब्लैक कलर में ड्रेस्ड अप रहते थे और साथ ही साथ जैसे गर्म दिमाग के थे ब्लैक में ड्रेस्ड रहते थे और उनकी जो अपीयरेंस थी वो बिल्कुल स्केलेटन जैसी थी, बहुत ही दुबले पतले थे। अरिया जो है उनको फिर मिस्टर विकफील्ड के पास लेके जाते हैं जो एक स्कूल रिकमेंड करते हैं डेविड के लिए और उनको वार्न करते हैं कि यहाँ पर सारे जो डॉर्म्स हैं वो सब फुल हो चुके हैं इसलिए डेविड को जो है कहीं और रहना पड़ेगा। अब एडल्ट्स जो है एग्री कर लेते हैं कि डेविड जो है स्कूल तो जाएगा और वो मिस्टर विकफील्ड के साथ तब तक रहेगा जब तक उनको कोई एक और अच्छी सूटेबल जगह नहीं मिल जाती। डेविड वहाँ एग्नेस से मिलते हैं जो कि मिस्टर विकफील्ड की एक बहुत ही प्यारी सी और अट्रैक्टिव डॉटर थी जो अपने फादर को बहुत एडमायर करती थी और उनके फादर के लिए वो ये एक अकेली जॉय का साधन थी जो कि उनकी वाइफ के मरने के बाद उनके पास थी। अब तीनों एक साथ खाना खाते हैं और चाय पीते हैं। डेविड बीच रात में उठते हैं और देखते हैं जैसे कहेंगे अरिया हीप जो थे उनको इतना ज्यादा अरिया हीप जो थे डेविड को इतने खराब लग रहे थे कि उनकी जो स्लाइमीनेस जैसी पर्सनालिटी थी वो जब उन्होंने उसी हाथों से डेविड के सिर पे हाथ रखा या उनसे हाथ मिलाए थे तो वो चाहते थे कि उनको छूने के बाद डेविड अपने हाथ पोंछ ले। उनके जो अरिया हीप की बॉडी से एक अजीब सा ग्रीजी ग्रीजी सी टच थी कि जब उन्होंने डेविड से हाथ मिलाया उसके बाद वो चाहते थे कि वो जो है अपने हाथों को पोंछ ले। अब स्कूल में अगले दिन डेविड जो है हेडमास्टर से मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और उनकी यंग वाइफ एनी से। मिस्टर विकफील्ड और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मिस्टर विकफील्ड जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि एनी की कजन के लिए जो कि है जेक मेल्डन। मिस्टर विकफील्ड चाहते थे कि ये भी साथ में वो जानना चाहते थे कि क्या कोई एक पर्टिकुलर रीजन है कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग चाहते हैं कि जो जेक मेल्डन है उनकी जो नई जॉब है उसकी वजह से उनको कंट्री से बाहर भेजा जाए और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एश्योर करते हैं कि नहीं ऐसी कोई जॉब नहीं है। अब डेविड जो है अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले तो वो पीछे थे क्योंकि भाई वो घर में डर के मारे पढ़ नहीं पाते थे लेकिन अब वो जो है धीरे धीरे पढ़ाई में भी कैच करने लग गए थे। उन्होंने फ्रेंड्स बना लिए कोई लड़के जो थे स्कूल में उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। घर पे भी डेविड जो है एग्नेस से बात करते थे जो उनको दिन ब दिन और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी क्योंकि उनका जो है उनके फादर पे बहुत ज्यादा डिवोशन था। एक शाम को डिनर के टाइम पे जैक मेल्डन जो है वो फैमिली को बीच में इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं कि जहां तक उम्मीद है वो जो है अब्रॉड जा रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। मिस्टर विकफील्ड जो है उनको बहुत पोलाइटली ट्रीट करते हैं पर दूर से और एश्योर करते हैं कि उनको लिए कोई भी देरी नहीं करी जाएगी उनको अब्रॉड भेजने में। डिनर के बाद मिस्टर विकफील्ड जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और एग्नेस और डेविड जो है आओ उनके साथ बात करते हैं और डोमिनोज खेलते हैं। मिस्टर विकफील्ड ऑफर करते हैं कि डेविड जो है वो परमानेंटली उनके घर में रह सकते हैं और डेविड जो है उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो अपने बेड की तरफ जा रहे होते हैं तो डेविड जो है एकदम से अरिया हीप से टकरा जाते हैं। अरिया उनसे पूछते हैं कि क्या वो एग्नेस से इंटरेस्ट है तो डेविड जो है अब ये बात सोचते हैं कि क्या जब भी क्या कहते हैं वो कुछ कहते हैं जो अरिया को खुश करता है क्योंकि अरिया जो है वो बिल्कुल ऐसे घूमते हैं जैसे एक सांप होता है। डेविड अपनी क्लास में जो है जल्द से जल्द टॉप करने लगते हैं और धीरे धीरे खुशी खुशी सेटल होने लगते हैं। एक शाम की बात है मिस्टर विकफील्ड और एग्नेस जो है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के घर जाते हैं। वहां एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी जैक मेल्डन की। एनी की मदर भी वहां पे थी और वो एनकरेज करती है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को कि वो जो है जारी रखें अपने फेवर्स जो उनके फैमिली मेंबर्स पे हैं जो कि पुअर और लोअर क्लास हैं। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग भी जो है उनकी सारी डिमांड्स को मंजूर कर लेते हैं। जब जैक मेल्डन डिपार्ट करते हैं इंडिया से या इंडिया में जाने के लिए वो डिपार्ट करते हैं तो एनी जो है काफी इमोशनल हो जाती है। जैसे ही उनका ट्रेन का डिब्बा जो है जब जाने लगता है तो
डेविड को जो है दिखाई देता है कि रिबन जो है जैक मेल्डन के हाथ में है। पैगटी डेविड को लिखती है और उनको बताती है कि जो उनके घर के में पुराना फर्नीचर था वो सब बेच दिया गया है, मर्चेंट जो है वो वहां से जा चुके हैं और अब घर जो है वो सेल पे है। डेविड मिस बेट्से को इस सारी न्यूज के बारे में बताता है जो पैगटी ने लेटर में लिखी थी जब वो जो है उनके पास स्कूल आई थी और वो ज्यादातर आती रहती थी। मिस्टर डिक जो है वो और ज्यादा विजिट करते थे फ्रीक्वेंटली और एक तरह से डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और बाकी स्कूल बॉयज के जो है काफी फेवरेट हो गए थे। मिस्टर डिक ने डेविड को बताया कि मिस बेट्से जो है उनको एक अजीब सा नाइट टाइम एनकाउंटर हुआ एक ऐसे इंसान के साथ जो कि उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहा है और जिसकी वजह से वो फेंट हो गई। अब मिस्टर डिक और डेविड दोनों की दोनों जो है उस एनकाउंटर को समझ नहीं पाए। मिस्टर डिक ने बताया कि वो आदमी दोबारा आया था पिछली रात को भी और मिस बेट्से ने उनको जो है पैसे दे दिए हैं। डेविड टी के लिए अरिया हीप के घर जाते हैं जहाँ अरिया और उनकी मदर जो है वो डेविड को बताती हैं सीक्रेट्स एग्नेस के बारे में, खास तौर से उनके फादर के हेल्थ के बारे में और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। डेविड बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं हीप्स के साथ और जैसा लगता है कि जैसे वो जो है उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। आर्या और उसकी मदर जो है बार बार चीजों को रिपीट कर रहे थे कि जैसे वो जो है इतने ज्यादा हम्बल हैं और जैसे डेविड जो है उनसे पूरी तरह से उनको अटेंशन मिलती रहे। टी के बीच में ही मिस्टर मिकाउबर जो है वो डोर के पास से गुजरते हैं। डेविड को देखते ही वो अंदर आते हैं। वो जो दोनों जो है अब अकेले छोड़ दिए जाते हैं और मिसेस मिकाउबर आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हैं डेविड को देख के। मिकाउबर जो हैं फिर फाइनेंशियल स्ट्रेट से गुजर रहे हैं पर वो जो हैं डिनर के बाद डिनर के टाइम पे या डिनर पर जो हैं वो फिर भी अपने आप को काफी इंजॉय कराती हैं। फिर अपने बीते दिनों को याद करते हुए डेविड जो हैं अब क्योंकि बड़े डेविड हैं वो अपनी स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं इसलिए वो याद करते हैं बहुत सारे ऐसे साल जो उन्होंने डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में बिताए और साथ ही साथ उनके वहां पर उस जमाने पे दो मेन इंटरेस्ट थे, एक यंग गर्ल जिसका नाम था मिस शेपर्ड और एक ओल्डर वुमेन जिसका नाम था मिस लार्किंस। डेविड अपनी याद करते हैं वो पहली फाइट जो उनकी एक बहुत ही यंग एरोगेंट बुचर के साथ हुई थी। फिर सरप्राइज जैसे होता है कि उनको एकदम से याद आता है कि या कहना चाहिए उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि वो जो है टॉप थे अपने स्कूल में, उन्होंने टॉप बॉय की तरह क्वालिफाई किया था। जैसे पहले तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही स्कूल में टॉप किया था और जब वो सिर्फ 17 ईयर्स के थे तब वो ग्रेजुएट हो चुके थे।